चुनाव के बाद एक तो 25 की बात है, वो तो कुछ महीने पुरानी है, एक ही दौर है और ये सबको फोन कर रहे हैं, आ जाओ ले जाओ पैसे, एडवांस ले लो। देखिए इसकी चिंता मत करिए आप, उसकी चिंता मुझे करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि सरकार में वापस आना, मुख्यमंत्री का पद संभालना, ये मेरा लक्ष्य। मैं तो कह रहा हूँ अब तो गांव में पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है, बोली बोलो सरपंच बना लो, मोहल्ले में आपको जरूरत नहीं है, आपको पार्षद बनाना है बोली बोलो, आप भी अपने मोहल्ले में जाके बोली बोलना और पार्षद बना लेना। देखिए 5-6-7 दिन बचे हैं चुनाव में, तो ये इसलिए तो कर रही है सर, क्योंकि ये 10 तारीख के पिटने के बाद की तैयारी कर रही है। मुझे किसी पर फेथ कम नहीं हो रहा, मेरे मुझे तो मतदाताओं पर फेथ है, अपने अपने विधायकों पर पूरा फेथ। क्या बारे आप कारण पूछ रहे हैं, सौदेबाजी आपको समझ नहीं आ रही? सौदेबाजी हो रही है लेकिन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा, अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। देखिए ये कुछ भी बोलते रहे, ये इतने निराश है कि ये भी जानते हैं जमीन क्या है, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, नहीं तो उनको आवश्यकता क्या है? अगर ये सोचते हैं कि इनकी 15 सीटें आ रही हैं तो उनको जरूरत किस बात की है? सर बीजेपी का कहना है कि 2 विधायक और हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में आएंगे और आपका फेलियर बता रहे हैं। देखिए ये सब कहते रहे, मुझे इस सबसे चिंता नहीं है, मेरा लक्ष्य एक है कि मध्य प्रदेश पर के मतदाताओं पर विश्वास करूं, और मध्य प्रदेश के मतदाता में बहुत जागरूकता है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में, बहुत अंतर है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं, बहुत बड़ा अंतर है मतदाताओं में, मतदाताओं की सोच में, मतदाताओं के दृष्टिकोण में, मतदाता आज बहुत समझदार है।